Everyone, welcome back in my YouTube channel Maths Friend. Now we are going to start exercise 8.3 and question number 4. देखिए question number 4 में क्या है कि कहता है कि I borrowed rupees 12,000 from Jamshed. कि मैंने borrow mean उधार लेना. मैंने borrow किए 12,000 कहाँ किससे Jamshed से कितने percent से 6% के हिसाब से और सिंपल इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कैसा देना था मेरे को सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. कितने टाइम के लिए 2 years के लिए. हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट. कहता है कि यदि मैं यही मनी 6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता देन व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट. तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे कितना पे करना पड़ता. तो देखिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं पी से. प्रिंसिपल कितना दे रखा है रुपीज 12,000 और रेट कितनी दे रखी है 6%. टाइम कितना दे रखा है 2 years. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100. प्रिंसिपल कितना है 12,000. आर कितनी है 6. टी कितना है 2 अपॉन में 100. 2 0s 2 0 कैंसिल. ये 12 6 जा कितने 72 और इससे 4 करेंगे तो ये कितना 144 और ये के 0. मीन अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया कितना 1440. ये आ गया. अब कहता है कि इसी मनी को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता तो इसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे अमाउंट. अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,000 1 प्लस रेट कितनी है 6 अपॉन में 100 रेज टू पावर टाइम. तो ए इज इक्वल टू 12,000. ये देखो एलसीएम लेंगे 100 तो 106 हो जाएगा और 106 जो है इसकी पावर 2 है तो अपॉन में 100 और इसको 2 टाइम्स लिख देंगे 106 अपॉन में 100 क्योंकि पावर 2 है. तो ये एलसीएम लेके कितना आएगा 106 अपॉन 100 2 पावर है तो इसको 2 टाइम्स लिख दिया. अब देखो 20 से 20 कैंसिल 10 से 10 कैंसिल. इस 2 इस 0 को काटेंगे नहीं सबकी मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम. तो ए इज इक्वल टू 106 को सबसे पहले 106 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये 0 0 0 ये कितना आएगा 6 0 1. तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 3 ये 12 और ये 1 और ये 1. अब इसको किससे करें 12 से. 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 7 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 से करेंगे तो 6 3 2 1 1 ऐड करो तो 2 और ये कितने हो जाएंगे 13 और ये 7 और 1 8 ये 4 ये 3 और ये 1. तो आ गया रुपीज 313483.2 हो जाएगा क्योंकि एक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट. अमाउंट आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना है 13,400 और 83.2 में से हम कितना माइनस कर देंगे 12,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 ये 8 ये 4 ये 1. तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1483.2. तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो 1440.0 लगा लेते हैं. तो ये 2 ये 3 और ये कितना आ जाएगा ये 0 लगा दो. तो इतने रुपीज क्या पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे मेरे को अगर यही मनी मैं सिंपल इंटरेस्ट के बजाय किस इंटरेस्ट पर लूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर. तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है.